मतलब जानबूझ के सीबीआई की साजिश के तहत इरफान ने आवेदन दिया है। जी हाँ। ओके क्या बताते हो आप? और क्या आप लोग के सामने तो है पूरा सब कुछ। गुना कबूल करोगे? और क्या? क्या, क्या क्या कहना है आपका इस बारे में? क्या कहना है, साथ में ला के लोगों ने उलझा दिया अपने को। किन लोगों ने? शाकिब ने। साकिब का आरोप है कि सीबीआई के कहने पर तुम ये बयान दे रहे हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम अपनी मर्जी से अपनी मर्जी बात कर रहे हैं। क्या सीबीआई हमारा घर चलाएगी या साकिब चलाएंगे? मतलब आपका कहना है कि साकिब के कहने पर आपने एक वारदात की थी? वारदात कहाँ की थी? वारदात के लिए साथ में कुछ बोलना चाहेंगे आप? आवेदन दिया बड़ा कबूल कर लेगा, नहीं बोलना चाहेंगे? और जेल में आपके साथ जो हो रहा है उसको बोलना चाहेंगे? आप लोग सच छापते कब? आप लोगों को तो झूठ छापना रहता है, वही छापो। आप बताओ ना क्या छापते हैं हमको? नहीं, आपको जो अच्छा लगे वो छापिएगा, अपनी मर्जी से तो छापते आ रहे हैं। क्या बोलना चाहोगे आप? जेल में तो बिल्कुल प्लान करके षड्यंत्र किया जा रहा है हम लोगों से। खान द्वारा एक आवेदन दिया गया है जिसमें वो अपना जुर्म स्वीकार करना चाहता है, तो अगली पेशी पे उसके बयान होंगे, कोर्ट उसको समझाएगी, फिर देखिए क्या स्थिति बनती है, उसके हिसाब से काम होगा। ने अपने बयान में क्या कहा है? श्रीनाथ ने अपने बयान में वही बातें बताई हैं कि ध्रुव नारायण सिंह की दोस्ती थी, ये था, जाता था, फलाना था, तो बाकी उसने दिन बयानों को डिनाई किया है। मेन बात कुछ ऐसी उसने बताई नहीं है कि किस दिन आपको पीछा करते थे, क्या होते थे।